सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, हम इसी वीडियो के माध्यम से SBI स्टॉक के ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग करके कैसे अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे दोस्तों, उसके बारे में एक सिंपल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी को हम कैसे बनाएंगे, ये स्ट्रैटेजी के माध्यम से हम कितना स्टॉप लॉस और कितना टारगेट लेके चलेंगे, उसका एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस ये सारे डिटेल्स पे जानते हैं। दोस्तों आप ये वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप ये वीडियो का कुछ पार्ट मिस कर लोगे, हो सकता है आप इसी स्ट्रैटेजी का कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी पे ये स्ट्रैटेजी को कैसे फॉलो करना है उसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने SBI स्टॉक का 15 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है। दोस्तों 15 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब ये जो भी सारे कैंडल आप लोगों को दिख रहा है, ये एक एक कैंडल 15 मिनट ड्यूरेशन पे बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, आपको इसी स्ट्रैटेजी पे कैसे काम करना है। देखिए बेसिकली हमको ये ध्यान देना है कि किसी दिन हमको इसी मार्केट पे या इसी स्ट्रैटेजी को यूज करके बाइंग करना है, और किसी दिन हम इसी स्ट्रैटेजी को यूज करके शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बाइंग करने के लिए एक सिंपल फंडा आपको अप्लाई करना है। आपको ये तीन कैंडल कंप्लीट होने तक वेट करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको किसी भी दिन एंट्री लेना है, ये थर्ड कैंडल कंप्लीट होने तक आपको वेट करना पड़ेगा। और ये थर्ड कैंडल कंप्लीट होने के बाद इसका कलर क्या आ रहा है आपको देखना है। अगर ये थर्ड कैंडल का कलर ग्रीन कलर का आएगा तो दोस्तों आपको उसी दिन बाइंग करने के लिए जाना है। अगर ये थर्ड कैंडल का कलर रेड कलर आएगा, देखिए दोस्तों आपको शॉर्ट सेलिंग करने के लिए जाना है। तो दोस्तों अभी आपको बाइंग कैसे करना है और शॉर्ट सेलिंग कैसे करना है उसके बारे में पता चल गया। देखिए दोस्तों, मैंने इसी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाने से पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। दोस्तों मैंने ये जो स्ट्रैटेजी बनाया है, इसको मैंने बैक टेस्टिंग करके बनाया है, और ये स्ट्रैटेजी ये बैक टेस्टिंग के हिसाब से बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। फिर भी देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करूंगा, आप खुद एक बार इसी स्टॉक के ऊपर बैक टेस्टिंग करके देखिए। अगर आपको बैक टेस्टिंग पे स्टॉक अच्छा खासा रिजल्ट दे रहा है, आप कुछ दिन लाइव मार्केट में खुद पेपर ट्रेड कर लीजिए। अगर आपको पेपर ट्रेड पे स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, तो दोस्तों उसके बाद आप आपकी रियल मनी इन्वेस्ट करके इस पे ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये स्टॉक पे कैसे स्टॉप लॉस और कैसे टारगेट हम सेट करेंगे और हमारा कितना स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हम अभी कैसे बाइंग करेंगे और कैसे सेलिंग करेंगे दोस्तों, उसके बारे में हमको आइडिया आ गया। लेकिन देखिए दोस्तों, ये बाइंग और सेलिंग के साथ हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट भी परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप स्टॉप लॉस और टारगेट यूज करके नहीं चलोगे, बेसिकली अगर आप स्टॉप लॉस यूज करके नहीं चलोगे, अगर आपकी ट्रेड किसी दिन आपकी अगेंस्ट पे चला जाता है, तो दोस्तों आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग पे स्टॉप लॉस का बहुत बड़ा भूमिका होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप हेजिंग कंसेप्ट यूज करके काम करते हो, तो फिर वो तो एक अलग कंसेप्ट हो गया। मतलब आप स्टॉप लॉस का फंडा वहां पे अप्लाई नहीं करोगे फिर भी चलेगा, क्योंकि आपका जितना भी लॉस आएगा वो हेजिंग के थ्रू आपके रिकवर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने हेजिंग के लिए ऑलरेडी निफ्टी फ्यूचर के ऊपर हेजिंग का स्ट्रैटेजी बनाया है, और दोस्तों इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से मैंने कंटिन्यूअसली लाइव मार्केट में ट्रेड करके उसका रिजल्ट 6-7 मंथ से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल्स पे जानना है, तो मैंने मेरा व्हाट्सएप का नंबर ऑलरेडी स्क्रीन के नीचे देखिए मेंशन किया है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस स्ट्रैटेजी के बारे में भी मैंने कल ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, तो आप इसी स्ट्रैटेजी का रिजल्ट को देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज करके हम कितना स्टॉप लॉस और टारगेट रखेंगे उसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, बेसिकली अगर आप बाइंग करने के लिए जाते हो, मैंने आपको बताया कि थर्ड कैंडल के हिसाब से आप आपकी बाइंग और सेलिंग का डिसीजन लोगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बाइंग करने के लिए जाओगे, इसी दिन ये ग्रीन कैंडल बनाया था, तो ये ग्रीन कैंडल के हिसाब से अगर आपको बाइंग करना है, ये थर्ड कैंडल का जो हाई है, तो ये हाई का लेवल जितना भी रहेगा, इसी लेवल के आसपास आप आपकी बाइंग का ऑर्डर डाल के रखोगे। तो देखिए दोस्तों, इसका जो बाइंग है 303.5 लेवल के आसपास आ रहा है। तो अगर आप ये लेवल पे बाइंग का ऑर्डर डालोगे, आपका जो स्टॉप लॉस आएगा, ये लो पे आप आपकी स्टॉप लॉस रखोगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगभग 3.5 के आसपास आपके स्टॉप लॉस आ गया। तो अगर आप 3.5 का स्टॉप लॉस लेके चलोगे, आपका जो मिनिमम टारगेट होगा, मिनिमम टारगेट 3.5, और उससे जो बड़ा टारगेट होगा आप 1:1 या 1:2 पे लेके चलोगे। तो 1:2 मतलब 7 पॉइंट का टारगेट आपकी रहेगा। अगर आप 1:1 पे इस पे ट्रेड करोगे तो 3.5 का आपकी टारगेट रहेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 1:1 पे ट्रेड करोगे तो आपका जो टारगेट आएगा, ये टारगेट किसी लेवल के आसपास आ रहा है, 3.3.5 से 307 लेवल के आसपास आपके टारगेट आएगा। तो ये लेवल के आसपास आपके टारगेट आ गया। तो दोस्तों, इसी दिन देखिए ये टारगेट अचीव हो गया। लेकिन अगर आप 1:2 लेवल पे लेके ट्रेड कर रहे हो तो 1:2 लेवल का टारगेट के हिसाब से 3.10.5, देखिए ये लेवल के आसपास इसी दिन ये स्टॉक आया नहीं है, लेकिन देखिए फिर भी ये पॉजिटिव पे क्लोजिंग दिया है। मतलब इसका जो क्लोजिंग है आपका बाइंग प्राइस से ऊपर क्लोज दिया है। तो दोस्तों, हमको किसे बाइंग करना है मैंने आप लोगों को बताया। चलिए दोस्तों, हमको कैसे शॉर्ट सेलिंग करना है उसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग करने के लिए अगर थर्ड कैंडल हमारा रेड कैंडल बनाता है तो हमको उसी दिन शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन लेना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन लोगे, ये थर्ड कैंडल का लो पे आपको शॉर्ट सेलिंग का पोजीशन लेना है। तो देखिए 315 पे इसी लेवल के आसपास आपको शॉर्ट सेलिंग करना है। तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 316.5 लेवल पे आपकी स्टॉप लॉस आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये 1.5 पॉइंट के आसपास आपकी स्टॉप लॉस आ रहा है। तो आपका जो फास्ट टारगेट होगा, ये 1.5 पॉइंट नीचे आपकी फास्ट टारगेट आएगा। तो फास्ट टारगेट जो आ रहा है 313.5 लेवल के आसपास। तो देखिए ये लेवल के आसपास आपका फास्ट टारगेट आ रहा है। और जो सेकेंड टारगेट आएगा, ये 312 पे आपका सेकेंड टारगेट आएगा। तो 312 किसी लेवल के आसपास आ रहा है। देखिए दोस्तों, ये लेवल के आसपास ये 1:2 पे भी हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो दोस्तों, मैंने ये स्ट्रैटेजी को खुद बैक टेस्टिंग करके देखा है, और देखिए दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम दे रहा है। ठीक है दोस्तों, ये था SBI स्टॉक के ऊपर एक सिंपल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी के माध्यम से आप महीना में एक डिसेंट इनकम जनरेट कर पाओगे। Thank you.